हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लेट्स रॉक इंजीनियर्स डॉट कॉम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को जल्दी से जल्दी चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना मोबाइल चार्ज के ऊपर जब आप लगाते हैं, तो अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एयर पैन मोड है। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि आप इस एयर पैन मोड को ऑन कर दीजिए जब आप अपने फ़ोन को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल का एयरप्लेन मोड ऑन कर देंगे, तो आपका मोबाइल की 40% जल्दी आपका मोबाइल चार्ज होगा। तो फ्रेंड, जब भी आप अपना मोबाइल चार्जर के ऊपर लगाएं, तो आप एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। जब आपको एमरजेंसी हो, जल्दी आपने चार्ज करना हो, तो आप एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। फ्रेंड, सेकेंड बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आप एंड्रॉयड मोबाइल के साथ चार्जर आते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के चार्जर्स आते हैं। तो अगर आप इस तरीके के चार्जर्स यूज़ करते हैं, इन चार्जर्स से फ्रेंड्स क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो स्लो चार्ज होता है। अगर आप इस तरीके के चार्जर्स यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि 4-5 घंटे आपके मोबाइल में चार्ज होने के लिए लग जाते हैं। 100% बैटरी के लिए आपको 4-5 घंटे वेट करनी पड़ती है, अगर आप इस टाइप के चार्जर्स यूज़ करते हैं। इनके साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो डाटा केबल है, कि इसकी जो वायर है वो यहाँ पर अटैच ही होती है। तो ऐसे चार्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ता है, अगर आप इस टाइप के चार्जर्स को यूज़ करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इन जो चार्जर्स हैं जो आप यूज़ करती हैं, जो ब्लैक कलर के चार्जर्स, ऐसे चार्जर्स आप यूज़ करते हैं, इनकी फ्रेंड्स क्या है कि MAH जो पावर होती है वो कम होती है, जो कि हमारी डिवाइस को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे टाइप्स के चार्जर्स को यूज़ करेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ऐसे टाइप्स के चार्जर्स यूज़ करेंगे जिनके वायर अलग से लगती है, इनकी फ्रेंड्स क्या है, जो MAH पावर होती है वो ज़्यादा होती है, जो आपके मोबाइल को जल्दी चार्ज कर देती है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या है कि यहाँ पर जो आप कम MAH पावर वाले यूज़ करते हैं, वो आपका मोबाइल ज़्यादा टाइम लग जाता है चार्ज होने में। लेकिन ऐसे जो अडेप्टर्स आते हैं जो ज़्यादा MAH पावर वाले होते हैं, आपके मोबाइल को 2-2.5 घंटों में ही चार्ज कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स उस चार्जर से 4-5 घंटे लगते हैं, तो इस चार्जर से सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, तो आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरा तरीका, अगर आप एयरप्लेन मोड को साथ में ऑन कर लेंगे, तो आपका मोबाइल इससे भी जल्दी चार्ज हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, ऐसे चार्जर्स के साथ मैं आपको दिखाऊं, वायर अलग से होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर वायर अलग से लगती है। जो आप यहाँ पर फ्रेंड्स वायर को यूज़ करें, ऐसा ना हो कि जो आप अडेप्टर लेके आए हैं मार्केट में से, ये मैं नया लेके आया हूँ अडेप्टर आपको दिखाने के लिए, अगर आप ऐसे अडेप्टर्स को यूज़ करेंगे, मैंने यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, तो इससे क्या है कि जल्दी आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो अगर आप इसके साथ जो वायर यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपकी वायर ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपके पास सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, तो आपको सैमसंग की ओरिजिनल वायर यूज़ करनी चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट वायर को यूज़ करेंगे, तो आपका मोबाइल फिर से वही टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या है कि आपका मोबाइल जल्दी चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप अडेप्टर ज़्यादा MAH पावर वाला यूज़ करें, तो आपको साथ में वायर भी ओरिजिनल यूज़ करनी चाहिए। और साथ में एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की चार्जिंग स्पीड को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा ट्रिक था कि जो आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके को आप यूज़ करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।